बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में कपड़े से एप्लीकेबल बनाने का तरीका बताया गया है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनाकर दिखाया गया है। तो कलर कपड़े से ये फ्लावर तैयार किया गया है। जिस तरह का भी डिज़ाइन हमने बनाना है, इसी हिसाब से हम फ्लावर ट्रेस करेंगे और जिस कपड़े से डिज़ाइनिंग करनी है उसी हिसाब से हम कपड़ा लेंगे। इस फ्लावर को बनाने के लिए मैंने दो कलर का कपड़ा लिया है। पहले हम येलो कलर कपड़े से डंडियाँ बनाएंगे और डंडियाँ बनाने के लिए हमने ये रेब कपड़ा लिया है। स्टार्ट करते वक्त कोना थोड़ा सा इस तरह से मोड़ कर रखेंगे और सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। एक पाँव का मार्जिन छोड़कर फोल्डिंग वाली साइड से एक पाँव का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगाते जाएंगे। जितनी चौड़ाई में पत्ती हमने बनानी है इसी हिसाब से फोल्डिंग वाली साइड से कपड़ा छोड़कर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पकड़कर डंडी के साथ साथ इसको घुमाते जाएंगे और सिलाई ख़त्म करते वक्त कपड़े को इस तरह से मोड़ लेंगे ताकि इसका किनारा, इसका सिरा कवर हो जाए। इस तरह सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई तक हम इसको कटिंग कर देंगे। इस तरह से सिलाई छोड़कर कपड़ा कटिंग करेंगे और दूसरी साइड पर इसको फोल्ड करते हुए जो फोल्डिंग वाली साइड हमने छोड़ी है इसको दूसरी साइड पर फोल्ड करते हुए किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्डिंग करेंगे और फोल्ड करने के बाद किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही मशीन को रोककर सिलाई दूसरी साइड पर ले जाएंगे, दूसरे किनारे पर लगा देंगे। इस तरह से नोक पर रोककर सिलाई दूसरी साइड पर लगाएंगे। इस तरह से किनारे के साथ साथ सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड पर पत्ती बनाएंगे। इसी कलर से दूसरी साइड पर पत्ते बनाएंगे। इस तरह से पत्ती की नोक पर रखते हुए फोल्डिंग वाली साइड पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर सिलाई लगाते जाएंगे और पत्ती की शक्ल में इसको घुमाते जाएंगे। इस तरह से जैसे पत्ती टेढ़ी है ऐसे ही हम इस कपड़े को टेढ़ा करेंगे। एंड पर हम इस कपड़े को थोड़ा सी नोक मोड़ कर सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा कोना इस तरह से मोड़ कर सिलाई लगा देंगे ताकि फोल्ड करते वक्त ये कोना नजर ना आए, अंदर ये दब जाए। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे। इस तरह से सिलाई के साथ साथ कटिंग कर देंगे और इसी तरह से किनारे पर इसको फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगा देंगे। ये ध्यान रखना है कि ये डंडियाँ बनाते वक्त कपड़ा हम रेब लेंगे। ऐसे ही किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से देखकर ये फ्लावर बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप इजीली ये फ्लावर घर में बना सकते हैं। ऐसे ही दूसरे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत ये पत्तियां सी बन गई हैं। ऐसे ही दरमियान में लंबी डंडी बनाने के लिए इसी कपड़े से लंबी डंडी बनाएंगे। इस तरह से एक साइड से इसको सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से कपड़े को रखते हुए जितनी डंडी हमने बनानी है चौड़ाई में इसी हिसाब से सिलाई लगा देंगे। फोल्डिंग वाली साइड इस तरह से थोड़ी थोड़ी छोड़कर सिलाई लगाते जाएंगे और जो लाइन हमने लगाई है इसी पर हम सिलाई लगा देंगे। एंड से इस कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद सिलाई मुकम्मल करेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई लगा देंगे।
इस तरह सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करेंगे और इसको दूसरी साइड पर मोड़ते हुए किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ऐसे ही कपड़े को मोड़े के और सिलाई लगाते जाएंगे। मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद ऐसे ही दूसरी साइड पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दूसरी साइड पर किनारे पर सिलाई लगा देंगे। अब दरमियान में फ्लावर बनाने के लिए हमने दूसरे कलर का कपड़ा लिया है। ये पत्तियाँ, फ्लावर की पत्तियाँ बनाने के लिए हमने ये ऑरेंज कलर का कपड़ा लिया है। इस तरह से रखते हुए लाइन के ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम एक पत्ती बनाएंगे। इस तरह से फ्लावर की पत्ती के जो लाइन हमने लगाई है इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़कर सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई बिल्कुल लाइन के ऊपर आनी चाहिए। जिस कलर का भी बनाना हो आप इसी हिसाब से ये कपड़ा ले सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे एक कलर में भी बना सकते हैं और इस तरह से दो कलर में भी बना सकते हैं। मुकम्मल पत्ती सिलाई करने के बाद अब हम मशीन को रोक लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से इसको इकट्ठा करेंगे और दरमियान तक लेकर आएंगे। इस तरह से चोट डालते हुए इसको इकट्ठा करेंगे और दरमियान तक लेकर आएंगे। ऐसे ही दूसरी साइड फोल्ड करेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी चोट देते हुए इसको इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह इकट्ठा करने के बाद दरमियान में सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पूरी पत्ती ऐसे ही पकड़कर इकट्ठा करेंगे और इस तरह से दरमियान में इकट्ठा करने के बाद सिलाई लगा देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। और मज़ीद आप मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम कोशिश करते हैं कि अपने व्यूवर्स के लिए और भी न्यू डिज़ाइन की वीडियो अपलोड करते रहें। इस तरह से दरमियान में इसको कवर करेंगे। पूरी पत्तियाँ हम ऐसे ही बनाएंगे, इसी कलर से पूरी पत्तियाँ बनाएंगे। अगर आप चाहें तो अलग अलग कलर में भी ये पत्तियाँ बना सकते हैं। बहुत मुख्तलिफ कलर का फैब्रिक लेकर ये पूरी पत्तियाँ अलग अलग कलर में बना सकते हैं। मैं एक ही कलर में ये सारी पत्तियाँ बनाऊँगी। ऐसे ही हम दूसरी पत्ती तैयार करेंगे। पूरी पत्तियाँ तैयार करने के बाद ये दरमियान में कुछ इस तरह से शेप बन गई है। अब हम दरमियान में इन किनारों को कवर करने के लिए इस तरह से दरमियान में ये राउंड में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये एक सर्कल सा बनाया है, इसके किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसको घुमाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे क्योंकि राउंड में सिलाई हम स्लो लगाएंगे। इस तरह से सुई की मदद से इसके सिरे कवर करेंगे। इस तरह से इसके किनारे दबाकर सिलाई लगा देंगे। मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर तैयार हो गया है। ये देखे बहुत ही खूबसूरत फ्लावर तैयार हो गया है।